वेलकम, आपका राजस्थान ज्योग्राफी में स्वागत है। फिर से हम पढ़ रहे थे राजस्थान में मिट्टी या मृदा। अभी तक हमने राजस्थान में मिट्टी के जो प्रकार थे, मिट्टियों का जो वर्गीकरण बताया था उनके बारे में पढ़ लिया था। पीएच मान के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण उनको देख लिया था। अब नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं आज मृदा की जो चीजें हैं वो कुछ मृदा अपरदन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, रिलेटेड उससे संबंधित जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में मृदा के संबंधित जो हम बात शुरू करते हैं, अगला व्यू है हमारा नेक्स्ट। तो सबसे बात आती है राजस्थान में, जैसे हमने बोला था पीएच मान के आधार पर कम होती है तो अम्लीयता हो जाती है, पीएच मान ज्यादा होता है क्षारीयता हो जाती है। तो क्षारीयता की जो समस्या होती है मिट्टी में, ठीक है, क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए एक फसल भी बोई जाती है। मिट्टी में जो क्षारीयता की समस्या होती है उसके समाधान के लिए एक फसल बोई जाती है। उस फसल का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उस फसल लिखना ग्वार या ढेचा। कौन सी फसल है? ग्वार या ढेचा फसल बोई जाती है जिससे मिट्टी में क्षारीयता की जो चीज रहती है, ठीक है, क्षारीयता रहता है वो सोडियम क्लोराइड की वजह से क्षारीयता ज्यादा आती है मिट्टी में। तो पीएच मान जो रहता है उसमें, तो ग्वार और ढेचा की फसल बोने से मिट्टी में क्षारीयता की समस्या क्या होता है, छुटकारा या कम पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली समस्या है पॉइंट आती है मृदा में और वो आती है सेम समस्या। कौन सी? सेम समस्या। देखो सेम समस्या का जो संबंध है वो राजस्थान के पश्चिमी जिलों से संबंध है। पहली बात, सेम समस्या का संबंध राजस्थान के पश्चिमी जिलों से होता है, ठीक है। सेम समस्या का दूसरा नाम है वाटर लॉगिंग। क्या कहा जाता है? वाटर लॉगिंग। सेम समस्या वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के पश्चिम में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला जो नगरीय क्षेत्र है वहां पर सेम समस्या सर्वाधिक होती है, वाटर लॉगिंग भी सर्वाधिक है। सेम समस्या से प्रभावित जिले सर्वाधिक कौन से? तो हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले जो है वो सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले माने जाते हैं। कौन से? हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले, इनमें ये समस्या ज्यादा होती है। उसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में ही बड़ोपल और रावतसर, ये दो क्षेत्र वहां माने जाते हैं। हनुमानगढ़ जिले में ही बड़ोपल और रावतसर दो क्षेत्र हैं जहां पर सेम की समस्या सर्वाधिक बनी हुई है। बड़ोपल और रावतसर, इस पॉइंट को आप नोट कर देना, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ उनको आप नोट कर दे जाना, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इस समस्या के समाधान के लिए बड़ोपल और रावतसर हनुमानगढ़ में, वहां पर सेम समस्या ज्यादा है, इसके समाधान के लिए इंडो डच जल निकासी परियोजना शुरू की गई है। कौन सी? इंडो डच जल निकासी परियोजना। यह परियोजना नीदरलैंड या हॉलैंड, नीदरलैंड जैसे अपन हॉलैंड में बोलते हैं, ठीक है, मतलब नीदरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। राजस्थान में यह परियोजना इंडो डच जल निकासी परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। नीदरलैंड अगर नहीं है तो हॉलैंड में बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? हॉलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये बात हुई थी सेम की समस्या से लेकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली, काजरी। ये आता है कि काजरी कहां पर है, ठीक है, तो काजरी है वो जोधपुर में। सबसे पहली बात, काजरी कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। काजरी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक, काजरी की जो फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र संस्थान, ठीक है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहां पर है? जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। काजरी का काम क्या है कि मरुस्थली क्षेत्र में वनों का जो काम करके वनों को बड़ा करके पारिस्थितिक वनों के विस्तार, सॉरी मरुस्थली क्षेत्र में जो वनों का विकास करना, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और मरुस्थल के विकास को रोकना, वनों के विकास को बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, मरुस्थल के प्रसार को रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जोधपुर में इस संस्था की स्थापना की है, ठीक है, काजरी, ध्यान रखना। एक और संस्था है आफ्री। आफ्री कहाँ है ये पूछा जाता है, तो आफ्री जोधपुर में। कहाँ पर है आफ्री? जोधपुर में। आफ्री की फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपके जोधपुर में है, ठीक है। तो ये बात हुई काजरी और आफ्री की बात हुई। काजरी की जो स्थापना हुई है मैं आपको बता देता हूँ, काजरी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। तो ये ध्यान रखना कब हुई थी, पूछा जाता है काजरी की, आप इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा अपरदन। कौन सी? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? देखो मिट्टी का कटाव, यानी मिट्टी का कटाव होना क्या कहलाता है? अपरदन, यानी उस स्थान वो मिट्टी हट जाती है और धीरे धीरे वो मिट्टी में अनुपजाऊ बना जाता है तो मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन की जो समस्या होती है, तो मृदा अपरदन की समस्या के लिए कहा जा सकता है कि मिट्टी में जब अपरदन होता है या कटाव की क्रिया होती है तो मिट्टी अनुपजाऊ बनने लगती है और इस क्रिया को कहते हैं मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु, यानी मृदा का अपरदन होना।
ठीक है। इसे मिट्टी का क्षय रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी का क्षय रोग भी कहा जाता है मृदा अपरदन को। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपक्षय क्या होता है। अपक्षय यानी चट्टानों का या मिट्टी का जो स्थान है, ठीक है, यानी चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना। कोई चट्टान है, कोई चट्टान है, वो अपने स्थान पर टूट फूट कर वहीं रह जाती है, वहीं पर गिर जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहती है, अपक्षय कहलाता है। इरोजन क्या कहलाता है, अपक्षय, ठीक है, सॉरी इरोजन नहीं कहलाता, अपक्षय कहलाएगा, ठीक है। चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय। नेक्स्ट अपरदन क्या होता है, अपक्षय हो गया, नेक्स्ट अपरदन क्या होता है। अपरदन यानी जो चट्टानों का टूटा, अभी चट्टान टूटी थी और अपने स्थान पर टूट गई, वो अपक्षय, जो अपक्षय क्रिया हुई और अपक्षय क्रिया के माध्यम से जो चट्टानों के टुकड़े टूटकर अलग हुए वो किसी माध्यम के द्वारा उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। चट्टान यहाँ पर टूटी, वहीं पर टुकड़े पड़े, वो अपक्षय, पर किसी के किसी माध्यम के द्वारा वह चट्टान के टुकड़े दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरदन, इरोजन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरोजन इसे कहा जाता है। तो अपरदन क्या समझ गए, अपक्षय अपने स्थान पर, अपरदन उस चीज का दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। ये वो माध्यम क्या हो सकते हैं, वायु माध्यम हो सकता है, नदी माध्यम हो सकता है, बर्फ माध्यम हो सकते हैं, हिमानी भूमिगत जल माध्यम हो सकता है और समुद्री जल माध्यम हो सकता है। इन माध्यमों के द्वारा अपरदन क्रिया होती है, ठीक है। और एक और चीज है, नेक्स्ट अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या होता है, अनाच्छादन मतलब अपक्षय की क्रिया और अपरदन की क्रिया जब दोनों साथ में हो, अपक्षय और अपरदन दोनों साथ में है, उसे क्या कहा जाता है, अनाच्छादन कहा जाता है। ध्यान रखना, अनाच्छादन क्या है, अपक्षय और अपरदन दोनों साथ, यानी चट्टाने अपने स्थान पर टूट फूट भी रही है और स्थान से किसी माध्यम से हवा के माध्यम से उड़ दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी है, दोनों क्रिया साथ में हो रही है, वो चीज क्या कहलाती है, अनाच्छादन कहलाती है। समझ गए होंगे आप अपक्षय अपरदन और अनाच्छादन। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी में अपरदन या लीचिंग की क्रिया, ठीक है। मिट्टी में अपरदन या लीचिंग की क्रिया क्या होती है, या इसे हम बोलते हैं लेटराइजेशन। इसे अपन क्या बोलते हैं, अपक्षारण लीचिंग को लेटराइजेशन। आप इतना लेटराइजेशन क्रिया है, लेटराइजेशन, लेटराइजेशन क्रिया क्या है, तो लेटराइजेशन क्रिया वो है कि रेगिस्तानी भूमि में जो मिट्टी रहती है वहां पर एक क्रिया ज्यादा होती है, इसमें उपजाऊ अनुपजाऊपन हो जाती है। कैसे हो जाती है, अनुपजाऊपन हो जाती है, यानी उपजाऊपन जो मिट्टी लिया होती है वर्षा के जल के द्वारा, वर्षा जल, वर्षा होती है, ठीक है, उस जल के द्वारा जो मिट्टी के उपजाऊ कण है, ठीक है, वह घुल करके क्या हो जाते हैं, मिट्टी की सतह के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। मान लो कि ये भाग है, ये मिट्टी है, ठीक है, वर्षा हुई यहां पर, ये वर्षा मिट्टी के जो उपजाऊ कण थे वो इसके साथ घुल गए और घुल करके मिट्टी के निचली परत में या नीचे वाले भाग में चल गए। अब ऊपर की जो परत बची, ठीक है, मिट्टी की, वो कैसी रही, वह अनुपजाऊ मिट्टी रही। कैसी रही, मिट्टी अनुपजाऊ होगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं, लेटराइजेशन की क्रिया कहते हैं। क्या क्रिया कहते हैं, लेटराइजेशन की क्रिया कहा जाता है। जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जो अनुपजाऊ होते हैं, वो इस मिट्टी की ऊपरी परत में रह जाते हैं, जिससे मिट्टी में अनुपजाऊपन बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, मिट्टी में कैल्सीकरण या केशिका क्रिया क्या है, मिट्टी में कैल्सीकरण या केशिका की क्रिया क्या है। केशिका क्रिया क्या है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पर घास फूस ज्यादा होती है, ठीक है, जब जो घास से चढ़ रही होती है वहां पर यह क्रिया ज्यादा होती है। उसमें क्या होता है कि मिट्टी में जो नमी रहती है, नीचे की नमी, यानी मिट्टी के नीचे का भाग नमी वाला भाग होता है, अंदरूनी भाग, तो जड़े होती है वो उस नमी को ग्रहण कर लेती है, ठीक है, और वहां के पदार्थ घोल करके नमी को ग्रहण करते हुए मिट्टी के ऊपरी पदार्थ में ले आती है, नीचे से ऊपर की क्रिया आना। केशिका क्रिया में क्या होता है, नीचे से ऊपर आना, लीचिंग क्रिया में ऊपर से नीचे जाना, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर वो नमी है वो ऊपर की परत पर आ जाती है मिट्टी के, और नमी धारण के लिए तो उस भूमि में, तो इससे मिट्टी में उपजाऊपन होता है। इससे मिट्टी में क्या आता है, उपजाऊपन आता है। जैसे आप, मैं उदाहरण दे सकता हूँ केशिका क्रिया के, कि जैसे आप लालटेन देते हो जब केरोसिन डाला होता है, ठीक है, तो उसमें क्या, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप कोई बत्ती डालते हो रुई वगैरह की, जिसके माध्यम से वो चीज ऊपर आती है, वो जो तेल वगैरह डालते हैं अपन, ठीक है, तो वो तेल क्या होता है, मिट्टी का तेल ऊपर आता है उस क्रिया के माध्यम से, केरोसिन जिसे अपन बोलते हैं, वो ऊपर आता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर आई, नीचे से जो नमी थी वो नमी को दान करते हुए ऊपर ले आए, इस क्रिया को कहा जाता है, केशिका क्रिया कहा जाता है, ये मिट्टी में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा अपरदन। मृदा का जो अपरदन होता है वो तीन तरह का होता है। कितने प्रकार से होता है, तीन तरह का मृदा अपरदन होता है राजस्थान में। राज्य में मृदा अपरदन का जो प्रकार है वो तीन है। नंबर फर्स्ट, पहला प्रकार का अपरदन है परत या क्षैतिज अपरदन। कौन सा, परत या क्षैतिज अपरदन क्या होता है, समझ रही है, समझने की ज्यादा ये
आप इन्हें लोग इन्हीं सब चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप लिखते जाना। परत अपरदन यानी ये अपरदन होता है तो ये अपरदन होता है राजस्थान के मरुस्थली जिलों में। कहां पर? मरुस्थलीय जिलों में होता है परत अपरदन। क्या होता है? राजस्थान के मरुस्थली जिलों में। ये अपरदन किसके माध्यम से होता है? तो ये वायु के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है ये अपरदन? वायु के माध्यम से। यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब वायु निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहती है तो रेत के जो कण होते हैं या बालू के जो कण होते हैं वो उस हवा के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, यानी उस स्थान से हट करके नीचे अगले स्थान पर क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस क्रिया से जहां की जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी थी वो क्या हो जाएगी? उस हवा के माध्यम से आगे बढ़ जाएगी और उस मिट्टी में अनुपजाऊपन भूमि ऊपर रह जाएगी। तो इस क्रिया को क्या लगता है? परत या क्षैतिज अपरदन। क्षैतिज यानी आपको पता ही परत अपरदन, यानी पूरी परत की परत, मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी की परत हवा के माध्यम से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित आगे हो जाती है। तो ये मिट्टी का पहला अपरदन है मृदा का, जिसे कहते हैं मृदा या मृदा का परत या क्षैतिज अपरदन कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थली जिलों या रेगिस्तानी जिलों में यह होता है। माध्यम इसका वायु है। क्या है? वायु है। इससे जुड़ी एक चीज है कि वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन कौन से जिले में होता है? वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन राज्य के कौन से जिले में होता है? तो जैसलमेर। कहां पर होता है? जैसलमेर में सर्वाधिक होता है। और वायु के द्वारा सर्वाधिक सॉरी न्यूनतम अपरदन कहां पर होता है? तो न्यूनतम अपरदन होता है धौलपुर में। कहां पर होता है? धौलपुर में। ठीक है, यहाँ पर निर्बाध रूप से हवाएं आगे बढ़ती है। रेगिस्तानी क्षेत्र मिट्टी का परत अपरदन सर्वाधिक कहां पर होता है? जैसलमेर क्षेत्र में हम बोल सकते हैं। ठीक है, वायु द्वारा अपरदन। नेक्स्ट मृदा अपरदन का दूसरा टॉपिक है हमारा लंबवत या अनुनादी का अपरदन। देखो पहला अपरदन था वो क्षैतिज था। ठीक है, क्षैतिज था, ये परत था। अब क्या लंबवत अपरदन है? अवनालिका, नाम से स्पष्ट है अवनालिका। नाली जो होती है वो गहरी होती है। कैसे होती है? नाली गहरी और लंबवत होती है। इसमें जो नदियां इसमें जो अपरदन होता है वो किन के माध्यम से होता है? तो वह होता है नदियों के माध्यम से। किसके माध्यम से अपरदन होता है? ये अपरदन नदियों के माध्यम से ये अपरदन होता है। तो नदियां क्या होती है? जब तेज गति के साथ बहती है तो मिट्टी का अपरदन करती है, और वह मिट्टी का अपरदन जो करती है वह गहराई के साथ करती है। मिट्टी का जो अपरदन करती है वह गहराई की ओर करती जाती है और मिट्टी अपरदन होती जाती है नदियों के साथ। तो तेज गति के बहाव के कारण मिट्टियों में जो अपरदन होता है वो कौन सा होता है? अवनालिका या लंबवत अपरदन। राजस्थान में यह अपरदन कहां पर होता है? तो राजस्थान में जो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है, कौन सा? चंबल नदी का जो क्षेत्र है लंबवत अपरदन। ठीक है, वो कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। ठीक है, लंबवत अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। चंबल नदी के जो कुछ सहायक नदी वो भी लंबवत अपरदन की कार्य में संलग्न है। पर सर्वाधिक अपरदन भारत में कौन सी नदी करती है? राजस्थान में कौन सी नदी करती है? लंबवत। तो या अवनालिका तो चंबल नदी। ठीक है, अवनालिका अपरदन का सर्वाधिक या सबसे ज्यादा उदाहरण या अवनालिका ज्यादा बनते हैं जिसे हम बोलते हैं बीहड़ का है। क्या कहा जाता है? बीहड़। ये शब्द आगे है तो बीहड़ जो होते हैं अवनालिका अपरदन की आकृति होती है जो सर्वाधिक जब अपरदन हो जाने के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं गहराई में। ठीक है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं राजस्थान भाषा में? बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़। बीहड़ सर्वाधिक कहां है? बीहड़ सवाई माधोपुर में सर्वाधिक। कहां पर बीहड़ सर्वाधिक? सवाई माधोपुर में बीहड़ सर्वाधिक है। कोरोली में इन बीहड़ों को डांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। इन बीहड़ को हम बेडलैंड या उत्खात भूमि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला अपरदन है चादरी अपरदन। चादरी अपरदन कहां पर होता है? चादरी अपरदन होता है अरावली क्षेत्र में। कहां पर होता है? अरावली, यानी अपन बोल सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में चादरी अपरदन होता है। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? चादरी अपरदन होता है। तो चादरी जो अपरदन होता है उसमें क्या होता है? मिट्टी की परत उस जो ढालनुमा भाव होती है बरसात के कारण, जब बरसात की ऋतु आती है अत्यधिक वर्षा के कारण वो पूरी चादर के द्वारा एक साथ स्खलन हो जाता है मिट्टी का, नीचे की ओर बहाव आती है। ठीक है, तो वहां की जो उपजाऊ मिट्टी थी या पेड़ पौधे थे छोटे मोटे पेड़ पौधे वो सब उसके साथ क्या होता है? नीचे आ जाते हैं। तो इसकी जो रक्षा या वन का जो आवरण था वो भी खत्म होता जाता है। वनों का जो आवरण था वो भी क्या होता है? खत्म होता जाता है और मिट्टी की उपजाऊ बनता भी खत्म हो जाती है उस मिट्टी क्षेत्र में। तो उससे क्या होता है? इस अपरदन को क्या बोलते हैं? चादरीय अपरदन। चादर के रूप में पूरी अपरदन होना, ये कहां पर था? अरवली में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक इसका जो क्षेत्र कौन सा है, कौन से जिले में आते हैं? तो पर्वतीय अपरदन जिससे जैसे बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान में सिरोही, सिरोही जिला आप लिखोगे। चादरी अपरदन सर्वाधिक कहां था? सिरोही में और राजसमंद में। सिरोही और राजसमंद में चादरी अपरदन सर्वाधिक होता है। अपन ये कह सकते हैं चादरी अपरदन को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो मुख्य रूप से इसके दो उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय तो अपन ये लिख सकते हैं कि वहां पर सीढ़ीदार खेती की जाए या समोच्चर की खेती की जाए या पट्टीदार कृषि की जाए। सीढ़ीदार कृषि, समोच्चर की कृषि या पट्टीदार कृषि, इस प्रकार की वहां कृषि की जाए उस पर्वतीय क्षेत्रों में, तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। नंबर फर्स्ट चीज।
दूसरी वहां पर वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए, क्या हो वृक्षारोपण अधिक से अधिक होगा तो जो जड़ें रहेंगी वृक्षों की उस मिट्टी को पकड़े रहेंगी, जिस कारण से मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाएगा बरसात के दिनों में। तो ये दो उपाय ध्यान रखना है इसके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ये अपरदन हो गया, बीहड़ मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट है बीड़ क्या होते हैं। ये बीहड़ और बीड़ अलग रहेंगे, ठीक है। बीड़ राजस्थान में जो चरागाह होते हैं, ठीक है, पशुओं को चराने के लिए जो स्थान होते हैं चरागाह, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, राजस्थानी बीड़ कहा जाता है। पशुओं के चराने के स्थानीय चरागाह जो होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में राजस्थान में क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। बीड़ और बीहड़ में अंतर है, मैंने बता दिया दोनों जी। नेक्स्ट अगला शब्द है चाही, इसीलिए क्वेश्चन है कई बार पूछे जाते हैं चाही क्या होती है। चाही आप समझना राजस्व की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है, चाही कहा जाता है। ध्यान रखना राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को चाही कहा जाता है। और बारानी क्या है, तो राजस्व की दृष्टि से असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है, बारानी कहा जाता है। ध्यान रखना यह है सिंचित भूमि और यह है असिंचित भूमि, ठीक है। तो चाही सिंचित भूमि राजस्व की दृष्टि से और राजस्व की दृष्टि से असिंचित बारानी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट कई बार सीधे क्वेश्चन पूछा गया, ये मैं बोल रहा हूं जो नेक्स्ट है कि राज्य में मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण क्या है, राजस्थान में मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण क्या है। अगर ये क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चन के क्या होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक जैसे होते हैं, कौन सा सही होगा, चार में से आंसर एक ही देना चार ऑप्शन में से, ठीक है, तो आंसर सही कौन सा होगा। तो जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है राजस्थान में वो सबसे प्रमुख कारण है अनियंत्रित पशुचारण। अगर ऑप्शन में ये है आपके, अगर आपके ऑप्शन में ये है और राजस्थान से संबंधित पूछा गया है तो उसका आंसर रहेगा अनियंत्रित पशुचारण। एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अनियंत्रित पशुचारण राजस्थान मिट्टी के अपरदन को ज्यादा क्या होती है, जो भेड़े होती है रेगिस्तान क्षेत्र में वो उसकी जो खुर रहते हैं जहां पर भी वो चरने जाती है उसकी खुरों की वजह से क्या होता है कि जो पौधे वो भी नष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, और खुर होते हैं उस मिट्टी को क्या होती है खुदर देती है, ठीक है। इस कारण से मिट्टी हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो अनियंत्रित पशुचारण सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट अगला कारण है, दूसरा सेकंड नंबर पे है, खेतों की मेड़बंदी नहीं होना। राजस्थान में जो चरागाह है या जो खेत है उसकी मेड़बंदी नहीं होने के कारण भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। अगला कारण है कृषि भूमि का अवैज्ञानिक प्रयोग, यानी राजस्थान में जो कृषि की जा रही है आज भी, राजस्थान में जो कृषि की जा रही है वो आज भी प्राचीन तरीकों से की जा रही है। कौन से तरीकों से की जा रही है, प्राचीन या परंपरागत तरीकों से की जा रही है, जिस कारण से मिट्टी का कटाव ज्यादा हो रहा है, मिट्टी अनुपजाऊ होती जा रही है, ठीक है। वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया अभी आज भी कई सारे लोगों ने नहीं अपनाया, इस कारण से अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि करने के कारण भी मिट्टी का कटाव ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट अगला कारण है सूखा एवं अकाल, यानी राज्य में हर कुछ सालों के बाद सूखा पड़ने या अकाल के कारण भी जब पौधे सूख जाते हैं मिट्टी का सूखने के कारण मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, सूखा और अकाल के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट है वनों का विनाश, ये तो प्रमुख कारण ही है कि वनों का जितना विनाश होता जाएगा उतना मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा, क्योंकि मिट्टी वनों की जो जड़ें होती है, वृक्षों की जड़ें होती है वो मिट्टी को क्या होती है आपस में पकड़े हुई होती है, जिससे अपरदन नहीं हो पाता ज्यादा। तो वनों का विकास, वनों का विनाश भी मिट्टी के कटाव का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में वनों की अंधाधुंध कटाई का प्रमुख कारण क्या है। अगर अपने राज्य से संबंधित क्वेश्चन आता है, अपने स्टेट से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ईंधन। इसके लिए ईंधन, यानी राज्य में वनों की अंधाधुंध कटाई का प्रमुख कारण क्या है, ईंधन की प्राप्ति, लकड़ी को काटने, लकड़ी को जलाने के लिए, इसलिए ये अंधाधुंध वनों को कटाई हो रहा है। नेक्स्ट है वायु द्वारा सर्वाधिक प्रदूषण जैसलमेर न्यूनतम धौलपुर, बता दिया मैंने नेक्स्ट आपको। हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये फैक्ट है सीधा सा, आपको याद रखना है कि राज्य में कुल भूभाग की कितनी भूमि व्यर्थ या बंजर है। ध्यान रखना 6.7% भूमि राज्य का टोटल भूभाग है, ठीक है, उसमें से 6.7% भूभाग कैसा है, व्यर्थ या बंजर भूमि वाला भाग है, व्यर्थ या बंजर भूमि वाला भाग है। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला भाग कौन सा जिला है, तो जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक बंजर या व्यर्थ भूमि है। कर दो क्या नेक्स्ट अगला है, ये भी सीधा क्वेश्चन है, मेरे पूछा जाता है, वो है राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड, ठीक है, राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड व राष्ट्रीय लैंड
रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन, ये दो संस्था है। इन दो संस्थाओं ने जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं, ये दो संस्थाएं वो किस समस्या के समाधान के लिए जुड़े हुए हैं? वो समस्या वो है बंजर भूमि के उचित उपयोग, यानी बंजर जो भूमि है उसका उचित उपयोग के लिए इन दो संस्थाओं का गठन किया गया है। इस प्रकार हमारे राजस्थान में जो प्रमुख फैक्ट थे, ठीक है, मृदा अपरदन संबंधी बातें थी, वो मैंने एक साथ आपको बता दी है। मुझे आशा है आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।